इसके बहुत सारे पॉइंट हमारे सामने आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है पावर शेडिंग का, वो ये होता है कि इट डेफिनेटली रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और सेक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो भी अलग अलग सेक्शंस के लोग रहते हैं किसी भी कंट्री में, उनके बीच में जो है वो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, सॉरी, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट सोशल सेक्शंस और ग्रुप्स। जितने भी सेक्शंस हैं उनमें पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हों, क्योंकि पावर को अलग अलग तरीके से शेयर किया जाता है। दूसरी, पावर शेयरिंग जो है वो एक डेमोक्रेटिक आइडिया भी है। यदि यू कहें कि दिस इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जहां कहीं भी डेमोक्रेसी है, जहां कहीं भी डेमोक्रेसी है किसी भी कंट्री में, तो ये कंपल्सरी है कि वहां पर पावर शेयरिंग भी होगी ही होगी। इसके अलावा यदि हम तीसरी बात करें, इट डज नॉट मेक फील अलाइनेटेड, जो लोग हैं वो अपने आप को कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर देते हैं, बिकॉज ऑल पीपल आर इक्वल, ऑल एंजॉय द इक्वल पावर एंड द राइट्स आल्सो, दैट्स व्हाई देयर इज नो चांस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस। तो लोग अपने आप को अलाइनेटेड फील नहीं करते हैं, डू नॉट फील अलाइनेटेड, अपने आप को अलग महसूस नहीं करते हैं। फोर्थ थिंग इसकी बात करें, इट स्प्रेड्स पीस एंड हार्मनी, लोगों के बीच में पीस और हार्मनी बनती है, कोऑपरेशन आता है, कोऑर्डिनेशन आता है, पीपल एक दूसरे की फीलिंग्स को न केवल समझते हैं बल्कि रिस्पेक्ट भी करते हैं। फिफ्थ यदि हम बात करें, इट आल्सो प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करती है। यदि हम श्रीलंका का बात करें, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं थी इसलिए यूनिटी का जो है प्रमोट नहीं हुई, वहां कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत बड़ा सेटबैक मिला है श्रीलंका को 1948 इंडिपेंडेंस से लेकर के अब तक की बात करें। जबकि यदि हम बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम में पावर शेयरिंग की गई इसलिए वहां पे यूनिटी भी प्रमोट है, पीस और हार्मनी भी है, पीपल डू नॉट फील अलाइनेटेड, डेमोक्रेटिक आइडिया में है, और सबसे बड़ी बात वहां पे जितने भी सेक्शंस हैं उनमें किसी प्रकार की जो है कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल न के बराबर होती है, इसलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल होती है। This is the importance of power sharing and this is also the answer of the question, how power sharing is desirable, power sharing किस प्रकार desirable होती है। Next जो हमारा point है और बहुत ही important और last topic है इस chapter का, उसमें यह है कि power को share किस प्रकार किया जाता है, how power is shared or distributed and we see around us all in the countries। तो power को share किस प्रकार किया जाता है, तो फोर टाइप्स हैं, फोर फॉर्म्स हैं जिसमें पावर को शेयर किया जाता है। सबसे पहली जो पावर को शेयर करने का तरीका है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दूसरा यदि हम कहें तो वर्टिकल पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। थर्ड यदि कहें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स को इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहते हैं, यह पढ़ेंगे प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है। और फोर्थ है पावर शेयरिंग इन डिफरेंट सोशल एंड रिलीजियस सेक्शंस। ये फोर टाइप्स हैं जिसमें पावर को शेयर किया जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स, एंड पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल एंड रिलीजियस सेक्शंस। इन फोर टाइप्स में पावर को शेयर किया जाता है। ये चार तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग देखो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट आप जानते हैं ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में देखो क्या होता है इसमें कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स में पावर को शेयर किया जाता है। वो ऑर्गन कौन कौन से हैं, सबसे पहला है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर हम दूसरी लैंग्वेज उसको पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, जहां पे रूल्स बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी न्यायपालिका बोलते हैं, जितने हमारे कोर्ट्स हैं सभी कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल दी अदर कोर्ट्स कंबाइनली नोन एज जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जब हम कभी यूं कहते हैं नॉर्मली भाषा लैंग्वेज में कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं किया, सरकार को ये करना चाहिए, तो बेसिकली वो जो गवर्नमेंट वर्ड है या सरकार शब्द हम यूज करते हैं वो एग्जीक्यूटिव के लिए करते हैं, और लेजिस्लेचर जो है जहां पे रूल्स बनाए जाते हैं। तो ऑर्गन ये तीनों के तीनों ऑर्गन्स हैं। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में देखो पहला पॉइंट क्या है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, वो ऑर्गन कौन कौन से, ये दूसरा पॉइंट है। द ऑर्गन्स आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। थर्ड, डिफरेंट ऑर्गन्स एक्सरसाइज डिफरेंट पावर एट द सेम लेवल। लेवल उनका सेम है, ऑर्गन डिफरेंट है, और हर एक की अपनी अपनी पावर है, हर एक की अपनी अपनी पावर है, ये अपनी अपनी पावर का एक्सरसाइज करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स एक्सरसाइज डिफरेंट पावर एट द सेम लेवल। लेवल उनका सेम होता है, ऑर्गन डिफरेंट है, पावर उनकी डिफरेंट है, ये इसमें सेकेंड पॉइंट है इसका। थर्ड यदि हम इसके बारे में पढ़े तो इसमें होता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या होता है, ये भी 1 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम, हम ये भी सभी जानते हैं कि लेजिस्लेचर का अपना जो है वो पावर होती है, एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर होती है, और जुडिशरी की अपनी पावर होती है। क्योंकि ये सेम लेवल के ऊपर वर्क करते हैं, इसलिए दे आर नॉट अलाउड टू यूज अनलिमिटेड पावर। If any one of the organ tries to use unlimited power, then other organs check their power and make the balance. Check मतलब होता है रोकना, check मतलब यहाँ पे रोकने से होता है। Any one of the organ when use unlimited power or try to use beyond the power, then other organs checks its power and make the balance. This is known as check and balance system. कोई भी अपनी पावर को अनलिमिटेडली यूज नहीं कर सकता। जब कोई भी एक ऑर्गन अपनी पावर को अपने लिमिट से बाहर जाकर यूज करता है तो दूसरा ऑर्गन उसे रोक देता है, उसे चेक कर देता है, जिससे पावर बैलेंस में बनी रहती है। इसे बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इसका जो पॉइंट है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में ही होती है, बाकी किसी में नहीं होती। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यह है इसकी पावर सेपरेट है, इसकी पावर भी सेपरेट है, और इसकी पावर भी सेपरेट है। हम सभी जानते हैं कि यदि हमारे घर में चोरी हो जाए तो हम स्कूल के प्रिंसिपल के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये पावर जो है वो किसके पास में है, जुडिशरी के पास में है। तो अब जाहिर सी बात है कि हम पुलिस में जाएंगे या कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद अपील करते हैं, क्योंकि उसकी पावर फिक्स है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर है, इसकी पावर सेपरेट है, इनकी पावर सेपरेट है, इसकी पावर सेपरेट है, इसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, नंबर वन पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, नंबर वन। सेकेंड पॉइंट, द पावर इज शेयर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। थर्ड, डिफरेंट ऑर्गन्स यूज डिफरेंट पावर और एक्सरसाइज डिफरेंट पावर एट द सेम लेवल। लेवल उनका सेम रहता है,
फोर्थ नंबर पॉइंट, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चेक एंड बैलेंस होता है कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर यूज नहीं करता, यदि वो करता है अपनी पावर से बियॉन्ड जाता है तो दूसरा जो ऑर्गन उसे चेक कर देता है और उसे बैलेंस कर देता है, इसे बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। एंड सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब तीनों के तीनों ऑर्गन की पावर सेपरेट है इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। नेक्स्ट जो है वो है वर्टिकल पावर शेयरिंग। हम सभी जानते हैं यदि इस लाइन की बात करें तो ये लाइन वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन में हम क्या करते हैं कि यदि हम वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात करें तो सबसे ऊपर हम रखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंटर में हम रखते हैं स्टेट गवर्नमेंट को जो मिडल में होती है, और बहुत सी कंट्री ऐसे भी है जहां पे थर्ड टियर गवर्नमेंट, जैसे हम बेल्जियम में पढ़ा था तो वहां पे थर्ड टियर गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। यदि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ लोकल गवर्नमेंट जो है जिसको हम पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थर्ड टियर गवर्नमेंट होती है जिसे हम बोल सकते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो यदि हम वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात करें तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स, क्योंकि वर्टिकल है, सबसे बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे कंट्री की एक ही गवर्नमेंट है। उसके नीचे की बात करें तो अलग अलग स्टेट की, हर एक की अपने अपनी गवर्नमेंट, तो स्टेट्स गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट्स के भी नीचे लेवल की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट्स है बहुत सी कंट्रीज के अंदर। तो हम यूं कह सकते हैं कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स इन वर्टिकल पावर शेयरिंग। सेकेंड, कौन कौन से वो टॉपिक हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं जिनमें पावर को शेयर किया जाता है, तो पढ़ चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड इन सम कंट्रीज दैट इज लोकल गवर्नमेंट। तो पावर इज शेयर अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एंड देन लोकल लेवल, ये तीन पॉइंट जो हैं वो पावर शेयरिंग के हैं। थर्ड यदि बात करें तो स्टेट्स को अपनी इंडिपेंडेंट, स्टेट्स यहां पे इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू गिव एनी ऑर्डर टू एनी स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की पावर को अलग अलग तरीके से मेंशन किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अलग अलग लेवल के ऊपर जब पावर को शेयर किया जाता है उसे हम वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है वो दोनों तीनों के तीनों जो लेवल्स हैं वो सेंट्रल लेवल सबसे बड़ा, फिर उसके नीचे स्टेट लेवल, फिर उसके नीचे लोकल लेवल आता है। थर्ड यदि बात करें, स्टेट लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं होता, उसके अंडर में नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी पावर टू गिव एनी ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्डर पास नहीं करता। दोनों की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जो है वो मेंशन की गई है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसमें नहीं होता, नो चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पे लेवल पे है, सेम लेवल के ऊपर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स काम नहीं करते। यहां लेवल अप एंड डाउन से है, सबसे अपर देन मिडल देन सबसे लोअर, और फिफ्थ है कि इसमें नो सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं होती। सेपरेशन ऑफ पावर क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें पावर सेम भी होती है। हमने देखा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है। होम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी होता है। एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टॉपिक है, स्टेट गवर्नमेंट का भी टॉपिक है। मतलब एजुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल में होते हैं, स्टेट में होते हैं, तो पावर जो है वो सेम ही रहती है। इस कारण यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती, ना ही चेक एंड बैलेंस होता है। स्टेट इंडिपेंडेंस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर पास नहीं करती है। तीनों लेवल हैं और लेवल्स के अंदर ही पावर को शेयर किया जाता है, इसे बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है, जबकि वर्टिकल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा जो थर्ड अपने पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि पावर को पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स में भी शेयर किया जाता है। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो पॉलिटिकल पार्टीज में पावर को किस प्रकार शेयर किया जाता है। एट प्रेजेंट में हमारे 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हर एक स्टेट में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को रन कर रही है, इसका मतलब वो पावर को शेयर कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करें तो वहां बीजेपी जो है पूरे कंट्री को रन कर रही है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी पावर को शेयर कर रही है। और पॉलिटिकल पार्टीज की यदि बात करें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती पार्लियामेंट में इलेक्शंस में, तो उन्हें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर के एक गवर्नमेंट बनानी होती है। उसी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ टू और मोर देन टू
पॉलिटिकल पार्टीज इज नोन एज ए कोलिशन गवर्नमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं गठबंधन। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के बनाती हैं। यदि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे तीन गठबंधन हैं, तीन जो है यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट है। एक है एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दूसरा है यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कांग्रेस पार्टी का है, एनडीए बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का, तीसरा लेफ्ट फ्रंट है जो दोनों में से नहीं है, तीसरा पार्ट से ही। तो जब बहुत सी पोलिटिकल पार्टी मिलकर के मेजोरिटी में कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं तो पोलिटिकल पार्टी के थ्रू पावर को शेयर किया जाता है, ये तीसरा है। इसी में एक पॉइंट आया था जो मैंने कहा था, मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम होता है प्रेशर ग्रुप्स। इसको हम इंटरेस्ट ग्रुप्स भी बोलते हैं। प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, ये वो ग्रुप्स होते हैं जो अपने ग्रुप्स के एक सेम थिंकिंग ग्रुप्स होते हैं, जो अपने ग्रुप्स के इंटरेस्ट को हाईलाइट करते हैं, गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशराइज करते हैं कि जो भी डिसीजन मेकिंग से जो पॉलिसी बनाई जाती है उनके फेवर में बनाए। वो अपने पीपल के, अपने लोगों के, अपने ग्रुप के इंटरेस्ट को हाईलाइट करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, उनके प्रेशर डालते हैं उनके ऊपर कि जो भी पॉलिसी बनाई जाए उन्हीं की फेवर में बनाई जाए। दे डायरेक्टली डू नॉट पार्टिसिपेट इलेक्शन बट दे चेंज और दे अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, प्रेशराइज द गवर्नमेंट, इसलिए उनको प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। इंटरेस्ट ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि पर्टिकुलर एक सेक्शन के इंटरेस्ट को ये हाईलाइट करते हैं। जैसे ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन की बात करें, ये भी है। फोर्थ जो हमारा है वो इसका नाम था सोशल एंड डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप। जो ग्रुप्स हैं या रिलीजियस सेक्शन हैं उनमें पावर को शेयर किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है, बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जहां पर जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं या जो बैकवर्ड सेक्शंस के लोग हैं, ठीक है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो सोशली बैकवर्ड हैं, ठीक है, विमन हैं, इन सभी को कॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशन से इन्हें कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। यदि हम इंडिया की बात करें, इसमें एग्जाम्पल लें, तो हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे सोशल रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो वीकर सेक्शंस हैं, जो बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और विमन भी हैं, इन्हें क्या किया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। ये रिजर्वेशन इसलिए है, दैट्स व्हाई दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम सभी जानते हैं पार्लियामेंट में, पूरे इंडिया की यदि बात करें तो एससीज ओबीसीज जो है और विमन जो है, इन्हें रिजर्वेशन दिया गया है ताकि दे कैन आल्सो गिव देयर कंट्रीब्यूशन व्हाइल रनिंग द गवर्नमेंट। इस प्रकार सोशल रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं, सेक्शन ग्रुप्स हैं जो वीकली वीक हैं या जो बैकवर्ड हैं, उन्हें भी जो पावर दी जाती है रिजर्वेशंस के तौर पे। यदि हम इंडिया की पार्लियामेंट की बात करें तो 84 सीट्स जो हैं वो एससीज के लिए रिजर्व हैं और 47 सीट्स जो हैं वो एसटीज के रिजर्व हैं। हम 9th में इसको पहले पढ़ चुके हैं। टोटल परसेंटेज की बात करें तो 7% जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है एससीज को, सॉरी एसटीज को, 15% जो है रिजर्वेशन जो है हमारे एससीज को है और 27% जो है रिजर्वेशन ओबीसीज को दिया गया है। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। मंडल कमीशन ने जो है रिकमेंडेशन की थी 27%, तो उसके बाद से जो है तीनों सेक्शंस को 7.5%, 15% एंड 27%, टोटल यदि काउंट करें तो 49.5% जो है रिजर्वेशन है अलग अलग रिलीजियस और सोशल वीकर सेक्शंस को प्रोवाइड किया गया है। वो अपनी पावर को शेयर करते हैं, अपने जो सेक्शंस है उनको अपलिफ्ट करते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं वाइल मेकिंग द पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इस प्रकार पावर को चार अलग अलग फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट या शेयर किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस चैप्टर। बहुत सी सिंपल सा मैं इसको समराइज कर दूं दोबारा कि पावर शेयरिंग हमेशा ही डिजायरेबल होती है, क्योंकि बेल्जियम में पढ़ा था कि पावर को शेयर किया गया डच लोगों के द्वारा, फिर शेयर किया गया जर्मन लोगों के द्वारा, फिर शेयर किया गया फ्रेंच लोगों के द्वारा, इसलिए वहां पर बहुत ही पीसफुल और हारमोनी बनी हुई है। फिर इसके अपोजिट में हम बात करें श्रीलंका की, तो वहां पे जो सीएम स्पीकर थे उन्होंने अपनी मेजोरिटी को एक पावर माना, उसका वेपन के रूप में यूज किया और अपनी मेजोरिटीनिज्म की जो प्रोसेस थी या आइडिया था उसको इम्पोज किया गया तमिल स्पीकर्स को जो माइनॉरिटी में थे, इसलिए वहां पे आज भी जो है सिविल वॉर चल रहा है। यदि हम
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है जो ऑर्गन्स के बीच में होती है, तीन ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सेपरेशन ऑफ पावर वहां पर होता है और चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। यदि हम वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात करें तो पावर वहां पे लेवल के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सबसे ऊपर लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, मिडिल का लेवल स्टेट गवर्नमेंट का होता है और सबसे लोअर जो लेवल होता है वो लोकल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को पास नहीं करती क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसमें नहीं होता, ना ही सेपरेशन ऑफ पावर का कोई सिस्टम होता है। पॉलिटिकल पार्टीज, हम सभी जानते हैं कि जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के पावर को शेयर करती हैं ताकि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के जो आर्बिट्रेटरी मैनर को रोका जा सके। आर्बिट्रेटरी मतलब कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी को जो मेजोरिटी मिलती है तो वो कभी कभी ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जिस डिसीजन को चेक करने वाला कोई नहीं होता। तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी से मिल करके लेती हैं तो दे कैन टेक द बेटर डिसीजन व्हेन मेनी हेड्स कम टुगेदर एंड पुट द टेक एनी डिसीजंस। सोशल एंड रिलीजियस ग्रुप्स की बात करें तो बहुत सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली वीकर सेक्शंस को या बैकवर्ड सेक्शंस को या इकोनॉमिकली और सोशली जो वीकर सेक्शन है, डिप्राइव्ड जो पीपल होते हैं उन्हें कुछ प्रोटेक्शन दिया जाता है रिजर्वेशन प्रोवाइड करके, जिससे वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उन्हें ये पावर शेयर की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान के द्वारा। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक। और जाते जाते आपसे बहुत बड़ी एक बात करनी है कि चूंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से पूरी इंडिया जो है उसको फेस कर रहा है और बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ कंट्री इट्स अवर ड्यूटी टू स्टे एट होम। यदि घर पे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और जो भी खासकर स्टूडेंट जो हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है दे ऑलवेज मेक द बुक्स द बेस्ट फ्रेंड एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम। दिस टाइम इज वेरी वेरी क्रूशल एंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर इन एनी अदर वीडियो। टिल देन गुड डे।